हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इलास्टिक लगाने का तरीका बताऊंगी ट्राउज़र में, बहुत ही इजी तरीके से। इसके लिए मैंने इलास्टिक ले ली है, जितनी भी आपकी कमर है उससे आप 3 या 4 इंच कम लेंगे। तो मैंने जो इलास्टिक की लेंथ ली है वो 32 इंच पर रखी है, मतलब 4 इंच कम ली है अपनी कमर में। जो है हमने पॉकेट लगाया है, तो हम बेल्ट को इतना फोल्ड करेंगे क्योंकि हमने बेल्ट का जो मार्जिन लिया था वो 2.5 इंच का लिया था। तो इस तरीके से हमें फोल्ड करना है कि ये पॉकेट ऊपर से क्लोज हो जाए। तो सबसे पहले 1/2 इंच इतना फोल्ड करेंगे, फिर 1 इंच इतना डबल फोल्ड करना है। और इस तरीके से फोल्ड करते हुए आपको पिन लगा लेना है, या फिर आप आयरन कर सकते हैं और पिन आगे पीछे दोनों साइड पे लगेगी ताकि हमारी बेल्ट अच्छे से बने। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशन। और पीछे से ये इस तरीके से हम एक्स्ट्रा जो मार्जिन लेते हैं तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बेल्ट बहुत अच्छे से बन जाती है। आप हल्के हाथों से इस तरीके से फोल्ड करते हुए पहले 1/2 इंच और फिर 1 इंच इतना फोल्ड होगा, और इस तरीके से आप पिन लगा लें। और थोड़ा सा अगर बढ़ जाता है तो उसको हल्की सी प्लीट्स दे दी जाती है ताकि कोई झोल ना आए। और इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे हमें इलास्टिक के लिए, क्योंकि हमें यहाँ से इलास्टिक इंसर्ट करनी है। तो मैंने पूरी तरफ सिलाई लगा ली है, अब हमने इलास्टिक लिए उसको इस तरीके से पिन लगा के हमें इंसर्ट करना है एक तरफ से, और दूसरी साइड से हमें इलास्टिक को पास करना है। इस तरीके से इलास्टिक को रख के हमें इलास्टिक के एंड्स पे स्टिचिंग कर लेनी है मजबूती के साथ। फिर इस तरीके से हमें बेल्ट को खींचना है और जो ओपन साइड है उसको हमें स्टिच कर लेना है। फिर हम बेल्ट के बीचों बीच इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है ताकि हमारी बेल्ट अच्छे से सिक्योर हो जाए। और इस तरीके से दोनों साइड से हमें बेल्ट को खींचना है और हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है बेल्ट के ऊपर बीच में। उम्मीद करती हूँ आज की ये छोटी सी एफर्ट मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो ये वीडियो है मैं बिगनर्स के लिए बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये देख सकते हैं बेल्ट स्टिच हो गई है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।